इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2020 के वो कौन से 10 शोज हैं जो हुए फ्लॉप, यानी ऑडियंस ने नहीं देखा उन शोज को अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये सब जानने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करते हैं नंबर 1 की पोजीशन से, जिस पर स्टार भारत का शो अकबर का बाल बीरबल। ये सीरियल 31 अगस्त 2020 को हुआ था ऑन एयर और 55 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद इस सीरियल को कर दिया गया ऑफ एयर। अगर बात करें इसके टीआरपी की तो वो 0.1 और 0.2 के आसपास ही घूमती रही। इस शो में एक्टर अली असगर अकबर के रोल में नजर आए थे, जो कि इससे पहले सोनी सबके पॉपुलर शो जीनी और जूजू में भी नजर आ चुके हैं। फ्लॉप शोज की इस लिस्ट में दूसरा शो है स्टार भारत का शो गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान, जो कि एक कॉमेडी शो था जिसके स्टार कास्ट में सुनील ग्रोवर और शिल्पा शिंदे समेत कई पॉपुलर फेसेस हमें देखने को मिले। बट कहते हैं ना, किसी भी शो के हिट या फ्लॉप होना उसके टीआरपी को देखकर ही मालूम होता है। उसी तरह गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान की अच्छी स्टार कास्ट के बावजूद शो की टीआरपी 0.2 और 0.3 के ही आसपास घूमती रही। इस शो ने टेलीविजन पर 45 एपिसोड ही कंप्लीट किए और फिर ऑफ एयर हो गया। फ्लॉप शोज की इस लिस्ट में तीसरा शो है जी टीवी का शो राम प्यारे सिर्फ हमारे, जिसके स्टार कास्ट में निखिल खुराना और ज्योति शर्मा समेत कई पॉपुलर सेलेब्स इसका हिस्सा थे। बट इसकी टीआरपी भी 0.4 के ही आसपास घूमती रही, जब ये शो को 58 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। फ्लॉप सीरियल्स के इस लिस्ट में चौथा शो है स्टार प्लस का शो दिल जैसे धड़के धड़कने दो। ये शो भी टीआरपी के मैदान में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया और 38 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद इस शो को ऑफ एयर कर दिया गया। अब बात करते हैं फ्लॉप सीरियल्स के इस लिस्ट में नंबर 5 की पोजीशन की, जिस पर स्टार भारत का शो एक्सक्यूज मी मैडम, जो कि एक कॉमेडी शो था जिसके स्टार कास्ट में नायरा बनर्जी और राजेश कुमार समेत कई पॉपुलर सेलेब्स इस शो का हिस्सा थे। बट अनफॉर्चुनेटली ये शो भी लो टीआरपी के कारण 67 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। फ्लॉप सीरियल्स के इस लिस्ट में नंबर 6 पर है स्टार प्लस का शो दादी अम्मा मान जाओ। दमदार स्टोरी ना होने के कारण ऑडियंस ने इस शो को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। लो टीआरपी के कारण ये शो भी 47 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। अब नंबर आता है फ्लॉप सीरियल्स की इस लिस्ट में 7 पोजीशन का, जिसमें एक कलर्स टीवी का शो हम तुम और करंतीन, जो कि एक कॉमेडी शो था जिसमें भारती सिंह और हर्ष लंबाचिया हमें टेलीविजन स्क्रीन पर एंटरटेन करते हुए दिखाई दिए। इनकी ज़बरदस्त कॉमेडी भी शो की टीआरपी में इजाफा ना कर सकी। लो टीआरपी के कारण ये शो से 15 एपिसोड तक ही महदूद रह सका और फिर ऑफ एयर कर दिया गया। फ्लॉप सीरियल्स के इस लिस्ट में नंबर 8 पर है स्टार भारत का शो कार्तिक पूर्णिमा। ये शो भी टीआरपी के मैदान में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सका और 45 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। फ्लॉप सीरियल्स के इस लिस्ट में नंबर 9 पर है कलर्स टीवी का शो नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी, जो हुआ था 27 जनवरी 2020 को ऑन एयर। इस सीरियल में हमें रिया शर्मा और पुनीत चौकसी की केमिस्ट्री देखने को मिली। ये शो भी टीआरपी के मैदान में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सका और सिर्फ 102 एपिसोड्स से कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। फ्लॉप सीरियल्स की इस लिस्ट में नंबर 10 पर है कलर्स टीवी का शो पवित्र भाग्य। अगर बात करें इस शो की टीआरपी की, भले ही ये टीवी पर टीआरपी के मैदान में कुछ खास कमाल ना दिखा पाया हो, बट ये शो ऑनलाइन बहुत पॉपुलर रहा। इस शो में अनिरी वजानी और कुणाल जयसिंह की केमिस्ट्री हमें देखने को मिली, बट मुसलसल गिरती हुई टीआरपी के कारण ये शो सिर्फ 74 एपिसोड से कंप्लीट कर सका और फिर ऑफ एयर कर दिया गया। कमेंट करके बताएं क्या आप हमारी फ्लॉप सीरियल्स की इस लिस्ट से एग्री करते हैं या नहीं। ऐसी और मजीद अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।